नमस्कार, राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सभी दर्शक श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। उदारवन विधानसभा केंद्र के मधुरा थाईकू नाला पत्थरखान क्षेत्र में आम लोगों ने बंद किया यातायात परिसेवा। सर्कल अफसर कुलदीप हजारिका की उपस्थिति में द्विपाक्षिक बातचीत के जरिए समस्या का समाधान किए जाने का चलाया जा रहा प्रयास। कछार पुलिस के उद्योग से सीतर के कनकपुर दूसरे खंड से करीब 60 लाख रुपए का हीरोइन व दूसरे नशे के सामान किया गया जब्त। बापन उद्दीन मजुमदार व सजला बेगम लश्कर नाम के दो व्यक्ति को किया गया गिरफ्तार। कछार जिले के मोदीनगर क्षेत्र में सोनाई विभागीय कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध तौर पर व्यक्ति के घर तोड़े जाने पर जिला उपायुक्त को दिया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द तोड़े हुए घर बनाए जाने का लगाया गया अपील। रेल नगरी लामनी के गांधी कॉलोनी क्षेत्र में अवैध तौर पर शराब और जुए के अड्डे जलने के चलते इलाके के लोग हो रहे हैं परेशान। विभागीय कार्यकर्ता को दिया गया स्मारक लिपि। पुलिस प्रशासन की भूमिका पर व्यक्त किया गया क्षोभ। गढ़ कप्तानी पूर्त श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा सीतर के गांधी भवन में आयोजित हुआ सम्मेलन। भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री कविंद्र पुरकाश, विधायक दिलीप पाल व दूसरे हस्ते की उपस्थिति में समस्याओं पर किया गया आलोकपात।